उपायुक्त ने गढ़वा जिले में अनाधिकृत रूप से बिना लाइसेंस के संचालित क्लिनिक एवं झूला छाप चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर छापेमारी दल का किया गठन। उपायुक्त सह जिला समुचित प्राधिकारी गढ़वा शेखर जमुआर की अध्यक्षता में जिला सलाहकार कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक के प्रारंभ में जिला कार्यक्रम प्रबंधक गढ़वा प्रवीण सिंह द्वारा PC और PNDT एक्ट पर प्रेजेंटेशन के माध्यम से संक्षिप्त जानकारी दी गई। बैठक में मुख्य रूप से गढ़वा जिले में अल्ट्रासाउंड क्लिनिक सेंटर PCMPNDT एक्ट के तहत रजिस्टर्ड क्लिनिक, पिछले बैठक में लिए गए निर्णय का अनुपालन, नए अल्ट्रासाउंड केंद्र हेतु प्राप्त आवेदन पर रिन्यूअल को लेकर कमेटी द्वारा विचार विमर्श किया गया। साथ ही उपायुक्त ने गढ़वा जिले में अनाधिकृत रूप से बिना लाइसेंस के संचालित क्लिनिक एवं झोला छाप चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर छापेमारी दल का गठन करते हुए गहन छापेमारी अभियान चलाने एवं आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिससे अवैध रूप से संचालित क्लिनिक को बंद कराया जा सके। बैठक में उपायुक्त IEC के तहत लगाए जा रहे बैनर होर्डिंग्स एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से चलाए जा रहे जागरूकता अभियान की भी जानकारी ली। उन्होंने प्लान पर चर्चा कर प्रखंड एवं जिला स्तर पर लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने नए अल्ट्रासाउंड केंद्र को लेकर प्राप्त आवेदन की अच्छे से समीक्षा उपरांत प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इस बैठक में मुख्य रूप से मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी पूर्णिमा कुमारी, जिला RCH पदाधिकारी गढ़वा, चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल गढ़वा डॉक्टर विजय कुमार प्रसाद PP गढ़वा, डॉक्टर अरुण कुमार अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल गढ़वा, डॉक्टर स्नेहलता राज दंत चिकित्सक सदर अस्पताल गढ़वा, अध्यक्ष IMA गढ़वा, अध्यक्ष लॉयंस क्लब गढ़वा, अध्यक्ष लॉयंस क्लब ग्लोरियस गढ़वा एवं अन्य संबंधित उपस्थित थे। विदेशों के मेडिकल कॉलेज से करें MBBS, पाएं विदेश की सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में प्रवेश, वो भी कम फीस में।